गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत ऑक्सीमोरन और हाइपरबोल के बारे में आपको बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको सिमिली और मेटाफर के बारे में आपको बताया था। उम्मीद है आपने उसे ज़रूर देखा होगा और आपकी समझ में आया होगा। आइए हम आपको पढ़ाते हैं ऑक्सीमोरन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीमोरन को हिंदी में विरोधाभासी अलंकार कहा जाता है। ऑक्सीमोरन वह फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो विरोधी गुण एक साथ रखे जाते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। इन दिस फिगर ऑफ इस अलंकार में टू अपोजिट आइडियाज, अपोजिट आइडिया माने होता है विरोधी विचार, आर पुट माने रखा जाता है, टुगेदर माने एक साथ। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, इस अलंकार में दो विरोधी गुणों को एक साथ रखा जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइफ इज ए बिटर स्वीट, बिटर माने कड़वा, स्वीट माने मीठा। लाइफ इज ए बिटर स्वीट, जीवन कड़वा मीठा होता है। तो बच्चों ध्यान दें, बिटर और स्वीट, बिटर माने कड़वा और स्वीट माने मीठा, ये हमारे विरोधी या अपोजिट वर्ड्स हैं। तो लाइफ इज ए बिटर स्वीट, जीवन कड़वा मीठा होता है, यहाँ पे दोनों विरोधी गुण हुए, इस प्रकार से यह हमारा ऑक्सीमोरन हुआ। दूसरे एग्जाम्पल को देखें, दिस इज एन ओपन सेक्रेट। बच्चों सेक्रेट मीन्स रहस्य होता है, दिस इज एन ओपन सेक्रेट, यह एक खुला हुआ रहस्य है। सेक्रेट ओपन नहीं हो सकता, और ओपन हो जाए तो सेक्रेट है ही नहीं, इसलिए ओपन और सेक्रेट विरोधी गुण हैं। इस प्रकार से ये भी दूसरा एग्जाम्पल भी हमारा ऑक्सीमोरन है। आइए तीसरे एग्जाम्पल से के माध्यम से समझने की कोशिश करें। ही इज एन इनोसेंट क्रिमिनल, वह एक निर्दोष अपराधी है। क्रिमिनल और इनोसेंट हो ही नहीं सकता, ये अपोजिट गुण हैं, इसलिए ये भी हमारा ऑक्सीमोरन हुआ। चौथा एग्जाम्पल देखें, लाइफ इज ए स्वीट पॉइजन, जीवन एक मधुर जहर है। तो स्वीट पॉइजन, ये भी अपोजिट वर्ड्स हैं, इसलिए ये भी हमारा ऑक्सीमोरन हुआ। पांचवा एग्जाम्पल देखें, सी इज द वाइजेस्ट फूल इन दी क्लास। वाइजेस्ट फूल माने सबसे बुद्धिमान मूर्ख। देखें बच्चों, वाइस माने बुद्धिमान और फूल माने मूर्ख, दोनों विरोधी शब्द हुए। सी इज द वाइजेस्ट फूल इन द क्लास, वह कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान मूर्ख है। तो निसंदेह ये हमारा ऑक्सीमोरन हुआ। आइए मैं फिर इसके आपको डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, इस अलंकार में दो विरोधी गुण एक साथ रखे जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं हाइपरबोल के बारे में, जिसे हिंदी में अतिशयोक्त अलंकार कहा जाता है। बच्चों इस अलंकार में किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इतना ज़्यादा ओवर कहा जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर व्यक्त किया जाता है जो कि संभव ना हो। आइए इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में ए स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन ओवर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स होता है कथन, रिप्रेजेंटेड माने प्रस्तुत करना, एन ओवर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करना या कहना। इन द फिगर ऑफ स्पीच ए स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन ओवर स्टेटमेंट, इस अलंकार में किसी एक बात को, किसी एक कथन को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। भीमा हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। भीम के पास स्ट्रेंथ माने शक्ति या ताकत, भीम के पास 16,000 हाथियों के बराबर
शक्ति या ताकत थी। तो यहाँ पर 16,000 हाथियों के बराबर ताकत होना ये असंभव है, इम्पॉसिबल है, इतना ज़्यादा किसी के अंदर शक्ति हो ही नहीं सकती, इसलिए हमारा हाइपरबोल हुआ। दूसरा देखें, 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस, ग्लैंस मैंने निगाह में झलक में, 10,000 सा 10,000 वस्तुओं को देखा, आई माने मैंने एट ए ग्लैंस एक निगाह में मैंने 10,000 वस्तुओं को देखा, जो कि असंभव है। आइए तीसरा एग्जांपल देखें, द वेव्स रोज माउंटेन हाई, वेव्स माने लहरें, रोज माने उठी, माउंटेन हाई माने पहाड़ कितनी ऊंची, लहरें पहाड़ कितनी ऊंची उठी, लहरें इतनी ऊंची नहीं उठ सकती जितना ऊंचा पहाड़ होता है, जो कि इम्पॉसिबल है। चौथा एग्जांपल देखें, सी वेप्ट ओसिन ऑफ टीयर्स, सी वेप्ट वह वेप्ट माने रोई, ओसिन ऑफ टीयर्स इतना आंसू जितना महासागरों में पानी होता है। यहाँ भी बात को ओवर स्टेटमेंट किया गया है, बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। पांचवा एग्जांपल देखें, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन दी बैटल फील्ड, रिवर्स ऑफ फ्लोड माने खून की नदियाँ, फ्लोड माने बह गई इन दी बैटल फील्ड में, लड़ाई के मैदान में खून की नदियाँ बह गई। यहाँ पर इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, खून की नदियाँ में बहना जो कि असंभव है, इस प्रकार से कोई संदेह नहीं है कि ये पांचों एग्जाम्पल को बढ़ा चढ़ करके कहा गया है। इस प्रकार से यह हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच हुआ। इसकी डेफिनेशन मैं रिपीट करता हूँ, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में ए स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंटेड, एक कथन को व्यक्त किया जाता है बाई एन ओवर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट मीन्स होता है बात को बढ़ा चढ़ा करके, इस अलंकार में किसी एक कथन को, किसी एक बात को बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त किया जाता है। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये अलंकार दोनों आपको समझ में आया होगा।